हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज सकाळर किछि नॉनस्टॉप खबर देखि नियंतु। ता पूर्वर फ्रेंड्स गोटे कथा कहिबाकु चाहूची, जदि आपण मानंकु वीडियो टी टिके भी पसंद आसे ताहाले गोटे लाइक आउ शेयर करिबाकु बिल्कुल भी भूलिबेनि। आउ जदि चैनल टी को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नहांती तो सब्सक्राइब करि देबे। तो चालंतु देखि नेबा आज सकाळर किछि नॉनस्टॉप खबर। नुआ वर्ष आरंभरु विद्युत झटका देला ग्रिड को। अवहेला पई 163 कोटी रो आर्थिक बोझ मुंडाइबे उपभोक्ता। वर्धित बिजुली बिल समस्तंकु बाधुची। अधिक टंका दी आपण निरवच्छिन्न बिजुली पाउछंती कि नाही ताहा निजे अनुभव करूथिबे। एहारे भितरे बिजुली बिल कु नै आसीछि आउ एक सांघातिक खबर। सारा ओडिशा रा विद्युत उपभोक्ता एबे पाखा पाखी 163 कोटी रा आर्थिक बोझ मुंडाइबाकु जाउछंती। कारण ओडिशा विद्युत नियामक आयोगंक राय वेदांत सपक्षरे जाइछि। वितरणकारी संस्था ग्रिड को आवेदन पई दिनटिए विलंब करि देबारु वर्षर प्रथम 3 मास मागणा बिजुली देबाकु मना करि देइछि वेदांत। वर्षर प्रथम 3 मास सस्ता विद्युत पाइबनी ओडिशा। आवेदन पई दिनटिए विलंब करि देला ग्रिड को। 163 कोटी रा आर्थिक बोझ मुंडाइबे विद्युत उपभोक्ता। परवर्ती है लैंडमाइन विस्फोरण रे सांबादिकंक मृत्यु घटना। मृतकंक परिवार को 13 लाख टंकार अनुकंपा राशि घोषणा। कलाहांडी जिला मदनपुर रामपुर थाना अंचल रे गतकाली पूर्वानरे माओवादीक लैंडमाइन विस्फोरण रे सांबादिक रोहित विश्वाळंक मृत्यु घटना रे राज्य सरकार 13 लाख टंकार अनुकंपा राशि घोषणा करिछंती। एने गणमाध्यम परामर्शदाता मानस मंगरा सूचना देइछंती। अनुकंपा मूलक राशि मृत सांबादिकंक परिवार को मिलिबो। पुलिस विभाग पक्षरु 9 लाख टंका ओ सांबादिक कल्याण पांठिरु 4 लाख टंका मिलिबो। अनुकंपा राशि प्रदान पई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश देइछंती। सूचना अनुसारे मदनपुर रामपुर मोहनगिरी मुख्य रास्तार डमकरला खुंटा माणिकेरा मध्यरे माओवादी माने जंगल रे पोस्टर मारिथिले एवं बैनर लगाइथिले। माओवादींकर एही पोस्टर बैनर लागिथिबा सूचना पई रोहित खबर संग्रह पई जाइथिले। अरककुपा छक निकट दुलेन गाँ जंगल को जाई ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करुथिबा बेले पूर्वान 11:30 रे लैंडमाइन विस्फोरण होइथिला। परवर्ती है पुणी स्वास्थ्य अवस्था जटिल होबारु वेंटिलेटर रे लता मंगेशकर। लता मंगेशकर स्वास्थ्य अवस्था पुणी सांघातिक होबारु तांकु वेंटिलेटर रे रखा जाइथिबा कथा डाक्टर सूचना देइछंती। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रो डाक्टर प्रतीत समदानी तांको स्वास्थ्यावस्था संक्रांत रे सद्यतम सूचना दे कहिछंती। बर्सियन गायिका लता मंगेशकरंक स्वास्थ्यावस्था रे पुनर्बार अवनति घटिछि। स्वास्थ्यावस्था जटिल थिबारु तांको वेंटिलेटर रे रखा जाइछि। एबे भी से आईसीयू रे अछंती एवं डाक्टर मानंक तत्वावधान रे रहिले। परवर्ती टी हला चाकरी देबा ना रे ठकेई। भुवनेश्वर गिरफ हेले 3 मोस्ट वांटेड। चाकरी देबा ना रे लोकंकु ठकुथिबा 3 जण युवक भुवनेश्वर गिरफ होइछंती। चंद्रशेखरपुर थाना सहायतारे 3 जणंकु गिरफ करिछि बेंगलुरु पुलिस। मिलिथिबा सूचना अनुजाई बेंगलुरु पुलिस रो स्वतंत्र टीम चंद्रशेखरपुर थाना सहायतारे 20 लाख टंका ठकेई अभियोग रे 3 जणंकु गिरफ करिछि। एही 3 अभियुक्तंक मध्यरे अछंती 2 ओडिया। एमाने पुणे रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी रे चाकरी कराई देबा कही ठके किछि लोकंकु ठकी थिले। सेमानन कठार 20 लाख टंका भी नहीं थिले। 2018 मसिया बेंगलुरु पुलिस रो मोस्ट वांटेड तालिका रे थिले एही 3 अभियुक्त। चंद्रशेखरपुर पुलिस सेमानन को गिरफ करबा परे बेंगलुरु पुलिस को हस्तांतर करिछंती। बेंगलुरु पुलिस 3 अभियुक्तंकु ट्रांजिट रिमांड रे नेबो बोली जणा जायछि। परवर्ती है घरे और शिक्षा अनुष्ठान विद्यादात्री माँ सरस्वती पूजा। गतकाली माघमास शुक्लपक्ष पंचमी तिथि थिला। धरा पृष्ठ से विराजी विद्यादात्री माँ सरस्वती। एं पूरा राजधानी समेत राज्यर विभिन्न स्थान में सरस्वती पूजा आयोजित होता। करोनार तृतीय लहर द्रुत गति से कमुवा बेले शिक्षानुष्ठानगुड़ सीमित पिला माँ को पूजा अर्चना करने को अनुमति मिली छात्र छात्री मध्य प्रबल उत्साह देखाई। यह छड़ा अन्य केतेक अनुष्ठान भी सरस्वती पूजा होती। खाली से नुहे घरे घरे भी विद्यादात्री माँ सरस्वती पूजा अर्चना कर। परवर्ती है आउ छुंची फोड़ा डर ना। पटना शुभारंभ है भारत प्रथम छुंची विहीन कोविड टीका जायकोव डी।
शुक्रवार दिन बिहार पटनारे भारतर प्रथम छुंची रहित कोविड 19 निरोधी टीका जाइकोव डी रो शुभारंभ करा जायछि। एही पद्धति रे टीकाकरण कार्यक्रम ए पर्यंत तीनोटी टीकाकरण केन्द्र रे आरंभ होईछि एवं छुंची फोड़ा भय रे टीका नै नथिबा लोके उपकृत हेउछन्ती बोली सिविल सर्जन डाक्टर विभा सिंह कहिछन्ती। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं गुरु नानक भवन रे एही टीकादान केन्द्र खोली। कोवैक्सीन परे जाइकोव डी होउची भारतर द्वितीय स्वदेशी टीका। प्लाज्मिड डीएनए प्लाटफर्म रे विकसित करा जायथिबारु एही छुंची रहित टीकार अभिनवत्व रहिछि। 12-15 वर्ष वयस्क पिलांक दिया जिबा पई मंजूरी मिलितिले भी भारतर प्रथमे प्राप्त वयस्क मानंकु जाइकोव डी दिया जाउछि। जाइडस काडिला औषध कंपनी द्वारा निर्मित जाइकोव डी 28 और 56 दिन व्यवधान रे तीनोटी डोज रे दिया जाए। परवर्ती है गतकाली राज्य में 2603 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट 349 जन 18 वर्षर कम वर्गर। गतकाली राज्य में 2603 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती एमानंक मध्यरु 1521 जन संगरोध केन्द्रर चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमणर 1082 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। एथिमध्यरु 349 जन 18 वर्षर कम वयसर शिशु किशोर थिबा जणा जायछि। गतकाल खोर्धा जिलार सर्वाधिक 444 जन आक्रांत थिबा राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्ष तथ्य प्रदान करा जायछि। गतकाली अनुगुल 102, बालेश्वर 48, बरगढ़ 51, भद्रक 37, बलांगीर 60, बौद्ध 37, कटक 205, देवगढ़ 21, ढेंकानाल 64, गजपति 64, गंजाम 85, जगतसिंहपुर 60, जाजपुर 133, झारसुगुड़ा 57, कलाहांडी 60, कंधमाल 26, केन्द्रापड़ा 63, केउझर 43, खोर्धा 444, कोरापुट 94, मालकानगिरी 19, मयूरभंज 104, नवरंगपुर 62, नयागढ़ 67, नुआपड़ा 87, पुरी 41, रायगढ़ 61, संबलपुर 88, सोनपुर 16, सुंदरगढ़ 204 और स्टेटपुल 100 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। वर्तमान पर्यंत राज्य में 1264705 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। से हीपरी 1288976 जन सुस्थ होती। एवं 29965 जन सक्रिय संक्रमित अच्छा। परवर्ती है वर्षा कमिबो थंडा बढ़िबो हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़िबो। आसंता 12 घंटा पर्यंत उपकूल ओडिशा समेत मयूरभंज सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर जिले में विजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबा संभावना रही। एथिसह ढेंकानाल जाजपुर केन्दुझर मयूरभंज भद्रक और बालेश्वर कुआपथर वर्षा होइपारे। एहि वर्षा द्वारा पनीपरिया और उद्यान कृषि प्रभावित होबार संभावना रही। तेणु चाषी भाई माने एथिप्रति सतर्कता अवलम्बन करने को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर परामर्श दिया जाइछि। परिस्थिति को दृष्टि रे रखि बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ अनुगुल आदि जिला 5 तारीख मध्यान पर्यंत येलो वार्निंग जारी करा जायथिला। वर्षा कमिबा सह उपकूल ओडिशा समेत ढेंकानाल अनुगुल कंधमाल रायगढ़ मालकानगिरी और कोरापुट जिले में हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़िबो। राज्यर बाकी जिलागुड़िक पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। वर्षा कमिबा सह थंडा बढ़िबो बोली आकलन करा जायछि। आसंता 2-3 दिन मध्यरे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 3-5 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती है बदलुची कि गंजाम राजनीतिर पाणीपाग। गोपालपुर मैदान को ओह्लैले मुख्यमंत्री राजनैतिक सचिव। गंजाम राजनीति मैदान रे राजनैतिक सचिव प्रदीप पाणीग्राही बीजेडी रु बहिष्कृत होबा परे खाली पड़ीथिबा गोपालपुर आसन उपरे एबे समस्तक आखि रहिछि। दलर मंग एठी किए धरिबो ताकु नै अंककसा भितरे सामना को आसिछंती गोपबंधु दास। महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति कथा कही से भोट अपील करिछंती। तेणु चर्चा हेउछि 2024 बेलकु निजे राजनीतिर मैदान को ओह्लैबा पई बाट करुछंती ऑफिसर रु नेता बनिथिबा एही पूर्वतन आईएएस। गंजाम राजनीति रे सामना को आसुछंती कि नुआ चेहरा काहेकिना जिलार कुकुड़ाखंडी ब्लॉक रो 10 नंबर जोन रे दल पई प्रचार करुछंती खोद मुख्यमंत्री को राजनीतिक सचिव गोपबंधु दास। जनसाधारण मध्य करताली माध्यम रे नुआ नेता को करुछंती समर्थन। बीजेडी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास को वीडियो वार्ता को लोकों सामना रे रखिबा सह मुख्यमंत्री को कथा कही खेलिछंती दलर सबुठारु बड़ शक्ति कुहा जाउथुबा महिला कार्ड। परवर्ती है प्रचार मैदान रे मिशन शक्तिर महिला महांगारे सरपंच प्रार्थी को जितबापी गाँ गाँ बुली मागिले भोट।
ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟର। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମହିଳା ଭୋଟରମାନେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ SHG ଗଠନ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ତଳମୁହାଁ ସଂକ୍ରମଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପର ମୁହାଁ। ଗତକାଲି 1,87,000 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 1,069 ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଶରେ କମୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଗତକାଲି 1,87,952 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,069 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 13,31,648। ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,01,114। ପଜିଟିଭିଟି ହାର 7.98%। ସେହିପରି ଦେଶରେ ଦିନକରେ 2,69,107 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା 4,02,47,902 ପହଞ୍ଚିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା 5G ଯୁଗରେ 2G ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ରାଜ୍ୟର ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ, 6,000 ଅଧିକ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ 6,000 ଅନୁଷ୍ପତ୍ତି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଁ ରାଜନୀତି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର 2 ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲା 2 ରୋଚକ ଖବର। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନଥିବାରୁ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିବା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ସେବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ।